मंडला पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक, दिल्ली की घटना को बताया निंदनीय, कार्यकर्ताओं संघ की बात। सिवनी के केवलारी समनापुर में केनाल टूटने से पानी ने मचाई तबाही, आधा दर्जन गांव में घुसा पानी। ग्यारसपुर में घर में रखा सिलेंडर फटा, हादसे में दो लोग बुरी तरह से झुलसे, जानकारी के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बैतूल से खबर है, कृषि मंत्री कमल पटेल मलाजपुर गांव पहुंचे हैं, खबर बैतूल से बता रहे हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर भूतों के मेले का उद्घाटन किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, गुरुवार को पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुलाकात की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सरकार एक्शन में अब आ गई है। मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। यही रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टरों से पानी नहीं लाएंगे पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी, ये गांव लेकर आएगा पानी आएगा। एक मिनट, उन्हें पुलिस को बुलाइए। आप यही रुको, यही रुको, और आपने किसी राजनेता को नाले में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नहीं देखा होगा, लेकिन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी नगर निगम द्वारा किए जा रहे नाला टैपिंग के कामों का जायजा लेने के लिए खुद नाले में उतर गए और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आवश्यक मापदंड पूछे और उनके अनुसार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभी सर अपन यहाँ से ऊपर में जो अपना एक 7 MLD और 8 MLD का STP है सर।
और मंडला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के मध्य प्रदेश संगठन के प्रभारी मुकुल वासनिक का मंडला जाते कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही महासचिव ने कांग्रेस से उनका हाल जाना। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अशोक मार्सकोले और बड़ी संख्या में कांग्रेस मौजूद रहे। किसानों द्वारा लगातार देखिए, हमें इस बात की बहुत हैरत है कि भारत की राजधानी वहाँ पर किसान पिछले 60 दिनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन ये अचानक इस तरह कैसे करवट बदलता है? हकीकत ये है, ये किसानों ने करी हुई हिंसा नहीं है, ये किसानों ने किया हुआ उपद्रव नहीं है। खबर उज्जैन से, जहां कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कायथा युवा कांग्रेस के साथियों के साथ बढ़े हुए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम राजस्व अधिकारी कायथा को ज्ञापन सौंपा। वहीं धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि हमारे पड़ोसी देशों में जब पेट्रोल डीजल के दाम कम थे तो फिर हमारे देश में क्यों केंद्र बड़ी भाजपा सरकार आमजन को आर्थिक मार दे रही है। आप सब लोगों को विदित है, केंद्र में बैठी तानाशाही मोदी सरकार जिस प्रकार से आए दिन डीजल पेट्रोल एवं रसोई गैस के भावों में वृद्धि कर रही है, जिसे सीधा सीधा असर हमारे किसान साथियों पर, आम जन पर, मजदूर वर्ग पर एवं युवा साथी पर हो रहा है। कोरोना काल में वैसे ही नौकरियां नहीं है, युवा साथी बेरोजगार होकर घर बैठा हुआ है और ऐसे में मूल्य वृद्धि करना ठीक नहीं है। इसके विरोध में आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से विधानसभा के हमारे कायथा ब्लॉक में सभी वरिष्ठ नेताओं युवा साथियों के साथ यहाँ पर ज्ञापन पेश किया है। खबर उज्जैन से, जहां तराना नगर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी मूदड़ा की पुण्यतिथि स्थानीय रेस्ट हाउस पर तराना प्रेस क्लब तराना के अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में पुण्य स्मरण कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। वहीं पत्रकारों ने अपने स्वर्गीय श्री मूदड़ा के साथ बिताए हुए पल और उनके साथ हुई पत्रकारिता को याद किया। राकेश टिकैत कुछ कह रहे, सीधे आपको लेकर चलते हैं। जो लोग हैं उसको राकेश जी, क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ? आप लोगों के साथ बताइए जरा, क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना, मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की बदतमीजी? पता नहीं, यही कर रहा था, यही घुस रहा था। आपके ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? हां, अंदर घुस रहा था आपके ट्रेन में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए, साइड में अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे उसको, दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया होगा, पुलिस को दे दिया, पुलिस हवाले कर दिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ दे रहे हैं आपका, बहुत धन्यवाद है। पानी पाक पी लो भाई, प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पे, ठीक है अब थोड़ा सा आराम कर लूंगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकट साहब? कर लूंगा मैं, जब थोड़ी देर में बात तो करेंगे, कर लूंगा मैं, यही हूँ, यही हूँ मैं, कर लो आप, आराम कर लूंगा। खबर मध्य प्रदेश कटनी से, 26 जनवरी की रात बडवारा में देशी शराब की दुकान में खुलेआम शराब बेची गई, जबकि प्रशासन के द्वारा दुकान बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी ठेकेदारों ने नियम और कायदे को दरकिनार कर शराब को औने पौने दामों में भेजा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सिवनी के केवलारी क्षेत्र अंतर्गत भीमगढ़ नाई तट मुख्य कैनाल समानपुर डैकरांजी के पास देर रात अचानक कैनाल टूट जाने से लगभग आधा दर्जन गांव के किसानों के चेहरे मुरझा गए। कैनाल का पानी खेतों में घुसने से फसलों में तबाही मच गई और समानपुर और डैकरांजी खुर्सीपार सहित लगभग आधा दर्जन गाँव के किसानों के लगभग 100 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी को माना जा रहा है।
बगैर किसी विलंब के और तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि आगे और जो किसान सिंचाई के लिए राह देख रहे थे, पानी की रास्ता तक रहे थे, उनको समय पर पानी मिल सके। इसके लिए विभाग को युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। अशोकनगर के चंदेरी शहर के मैदान में रामबाग क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अशोकनगर आईपीएस और सागर के बीच खेला गया। इसमें सागर में ये मैच जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम किया और पुरस्कार वितरण राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरित किए और बता दें कि इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 16 जनवरी को हुआ था। अलीराजपुर में विगत दिनों हुई दो सराफ व्यापारियों से ठगी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि सराफ व्यापारी कमलेश द्वारा शिकायत दर्ज की गई। फर्जी तहसीलदार ने स्वयं को नायब तहसीलदार बोलकर नकली आई कार्ड दिखाकर व्यापारी से लूट की और उसके बाद वहीं दोनों व्यापारियों ने पुलिस में फर्जी नायब तहसीलदार के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज किए। फर्जी नायब तहसीलदार अपने आप को बताकर और यहाँ की सराफा दुकानों पर जाकर वहाँ से गहने खरीदे और उनको चेक दे दिया और चेक में इसके पैसे नहीं थे और ना ही ये नायब तहसीलदार था। जब उनको शंका हुई सराफा व्यापारियों को, तो उन्होंने जो है पता किया कि क्या इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है। तो जब उन्हें पता चला कि नहीं है, उन्होंने पुलिस को सूचना करा और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके और इसको 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी करी है और इससे जो सामान है जो इसने ठगी करके व्यापारियों से खरीदा था वो भी बरामद हो गया है। और ग्यारसपुर में एक बड़ा हादसा होते से बच गया। हैदरगढ़ के ग्राम धामनोद में घर में सिलेंडर फट गया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें घायलों को ग्यारसपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और रीवा जिले के शासकीय प्राथमिक पाठशाला उमरिया लखन खोरियान जन शिक्षा केंद्र फुलहा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की उपस्थिति में छात्रों को सूखा राशन तेल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में उद्योग आय और रोजगार बढ़ा है। वह शिक्षकों को भी सांसद जनार्दन मिश्रा को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। से आके ओमार 14 पैसा खेती के आमदनी उत्पादन बढ़त या कि जो उन्हें जरीकन का यहाँ जा जाए काम कर रहे हैं का वो काम मिलत। खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के फिजिकल रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत भदैया कुंड के जंगल में एक युवक को हाथ पैर बांधकर अज्ञात लोगों ने छोड़ दिया था, जिससे मुखबिर के सूझा पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। अस्पताल में भर्ती कराया। वह युवक के शरीर पर मारपीट के निशान थे। युवक का कहना है कि एक दिन पूर्व आपको अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और मारपीट कर रस्सी से हाथ पैर बांधकर भदैया कुंड के जंगल में छोड़ दिया गया था, जहाँ राहगीरों ने आवाज़ सुनकर युवक के पास पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अभी कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति करबला के पास में पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। मौके पे एफआईआर भी पहुंच गई थी, हम लोग भी पहुंच गए थे, तो उसके हल्की सी खरोंचे हैं, हाथ पांव पे थोड़ी चोटें हैं और उसके हाथ बंधे हुए थे, तो उसको लेके अभी हॉस्पिटल आ गए हैं। अभी तो ये बता रहा कि मेरे को कुछ अज्ञात लोगों ने उठा लिया था और कहीं एक दो जगह जानकारी नहीं बता पा रहा, वो पूरी बंद कर रखा है, थोड़ा घबराया हुआ है। अभी हम जांच कर रहे हैं जानकारी। अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पाई है, अभी जांच कर रहे हैं, अभी नहीं कह सकते। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्ड
भी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा, तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। खबर कांकेर से, जहां अपने दो दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन मुख्यमंत्री बघेल जिला मुख्यालय के नरहर देव उत्कृष्ट इंग्लिश स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला, जिसके बाद गोविंदपुर खेल मैदान से सभा को संबोधित किया। वहीं सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके दर्शन करने का भी अवसर मुझे मिला। आज 342 करोड़ की लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ और साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं जिले भर के कार्यों के लिए, और उसमें देवगुड़ी और घोटुल के भी घोषणा हमने की है, ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारे आस्था के केंद्र है उसे बचाया जा सके, और उसे बल्कि बचाना ही जरूरी नहीं बल्कि उसे संवर्धित करने का आवश्यकता है, विकसित करने का आवश्यकता है, तो उस दिशा में हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथ ही आज कल के तारीख तक के लगभग 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा में ट्रैक्टर और बाइक रैली ऊर्जा ध्वनि भू स्थापित द्वारा निकाली गई। ये रैली जन जागरूकता के लिए निकाली गई। वह रैली को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संयोजक ठाकुर गजेंद्र सिंह ने गणतंत्र परेड में हुई हिंसा के लिए पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमने 4-5 गांव में मिलकर के एक रैली का आयोजन किया गया, जिसकी कड़ी में अभी गजरा बस्ती में ये रैली निकली है। ये रैली गजरा बस्ती से होते हुए मोंगरा, 2 नंबर, भेजी नारा और अर्दा में जाकर के समाप्त होगी, और जन जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं, किसानों के दिलों में इस बात को हम लाना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 किसानों के बिल जो लगाया है, वो बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है, केवल कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए बिल उन्होंने लागू किया है, और गांव-गांव तक एक हम खबर पहुंचाएंगे। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान ही इस देश को चलाता है, और कृपा करके किसानों के विरोध में जो बिल लाया, किसानों को जो बिल लाया गया है, उसको तत्काल निराकरण करें। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी एक दिवसीय प्रवास पर मुंगली पहुंचे, जहां नगर के स्थानीय सर्किट हाउस में उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की आवश्यक बैठक की, जहां बेहतर पुलिसिंग को चर्चा के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, हमने 1 जनवरी को बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर ज्वाइन किया, उसके बाद में माननीय सीएम साहब का भी इस रेंज में दौरा था, और उसके बाद हम सभी जिलों में जाकर के एक परिचयात्मक बैठक ले रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। उनके जो मैदानी जो फीडबैक है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ले रहे हैं, और हमारे जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करके कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और कोरबा के बांकी मोगरा के नए थाना भवन का उद्घाटन किया गया। क्षेत्र में लंबे समय से नए भवन की मांग चल रही थी, वहीं थाना भवन निर्माण से पुलिस स्टाफ से क्षेत्रवासियों में काफी खुशी है। बांकी मोगरा नए थाना भवन का उद्घाटन कोरबा पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। ये बाकी मोगरा थाने काम जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा था, वो काम पूरा हो गया था, और इसको क्योंकि पुराना थाना वायबल नहीं बचा था कि वहाँ आगे कंटिन्यू किया जाए, इसलिए यहाँ आज शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे जो नगर के प्रबुद्ध जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं और नागरिक गण हैं और मीडिया के हमारे साथी हैं, उनके उपस्थिति में ये नया थाना चालू किया गया है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, सारे नगरवासियों ने भी ये बताया कि वो बड़ा खुश हैं थाने की कार्यप्रणाली से, और आगे भी थाने का सहयोग उनको मिलेगा, और हमारा भी अपेक्षा है कि उनका सहयोग थाने को मिलता रहेगा। खबर बालों से, जहां गुंडरदेही वन विभाग के डिप्टी रेंजर के मिश्रा के खिलाफ गुंडरदेही जनपद अध्यक्ष सुचित्रा हेमंत साहू ने मोर्चा खोल दिया। अध्यक्ष ने डिप्टी रेंजर के खिलाफ प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के पास अवैध उगाही को लेकर शिकायत की थी। अध्यक्ष सुचित्रा साहू का कहना है कि गुंडरदेही क्षेत्र के आरा मिल संचालकों लकड़ी कोचियों और बढ़ाई के पास जाकर पैसे की मांग करते हुए पैसे नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई करने की धमकी देते हुए
जनपद अध्यक्ष ने डिप्टी रेंजर को बर्खास्त करने की मांग की। वही छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव और संबंधित क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद भी मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है। और बिलासपुर चकरभाटा स्थित बिलासादाई एयरपोर्ट की और लंबी दिनों तक चलने वाली मांग आंदोलन के बाद खुशखबरी मिली है। 2C और 3C में अपग्रेड हो गया है। इसके बाद अब इस एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान सेवाओं का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे क्षेत्रवासियों में बहुत खुशी है। जिला राजनांदगांव में छात्र पालक संघ के कलेक्ट्रेट का घेराव किया और अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि निजी विद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के ट्यूशन फीस लेने के आदेश के आड़ में आर्थिक मार झेल रहे पार्कों से समस्त फीस की वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा। इसके संबंध में कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग आज यहाँ फाइनली जिला प्रशासन राजनांदगांव को ये बताने के लिए आए थे कि ये स्कूलों ये कोर्ट के जो आदेश हैं कि ट्यूशन फीस लेना है उसके नाम पे कितना और वसूली किया जाएगा, जबकि आपने हमारे धंधों को कोरोना काल में बंद करवा दिया, पूरी तरीके से हमारा व्यापार बंद करवा दिया। हमने तो आपसे कोई ना मुआवजे की मांग की ना उसके लिए कोई प्रदर्शन किया, तो निश्चित तौर पर आपको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, तो ट्यूशन फीस की आड़ में ये सारे फीस को ट्यूशन फीस में समायोजित करके ले रहे हैं। बिलाईगढ़ इलाके सहित आसपास के गांव में छेरछरा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छेरछरा पुन्नी अन्नदान छत्तीसगढ़ का शान और महत्वपूर्ण लोक पर्व है। ये पर्व पौष पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसके मौके पर अनाज दान किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार छेरछरा पुन्नी मनाया जा रहा है, लेकिन बालोद जिले के गुजरा गांव के बच्चों द्वारा त्यौहार मनाने का अंदाज अनूठा है। दरअसल गुजरा गांव की बेटी नीलिमा श्याम बीती 3 सालों से अपने घर में ही हैं और निःशुल्क पाठशाला लगाकर गाँव के बच्चों को पढ़ा रही हैं और जीवन जीने की कला और स्वास्थ्य रहने के गुण भी बच्चों को सिखा रही हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ का पर्व परंपरा त्यौहार है छेरछेरा पूर्णिमा, जो पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। कई लोग इस चीज़ को लेके निंदा करते हैं और भेदभाव करते हैं, क्योंकि जैसे कि भीख मांगने जा रहे हो ऐसा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा है, जो धान की कटाई जैसे होता है तो अपने खलिहान से उसको घर में ला के कोठी में डाला जाता है, तो इस खुशी में हम लोग हर घर में दान पुण्य मांगने जाते। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोरी कर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 5 आरोपियों के पास से 6 दोपहिया वाहन समेत 3 मोबाइल भी जब्त किए गए। सरकंडा पुलिस को लगातार बाइक चोरी होने की शिकायत मिल रही थी। इसके मद्देनजर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर मुंगेली से, जहां अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर के आदेश पर SDM ने अलग अलग क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग की और पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि मुआफिया ने कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई थी, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया है। खबर बलौदाबाजार से, जहां शहर में लड़की के हाथ से मोबाइल लूटकर फरार हो जाने के 3 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
वहीं सीसीटीवी के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हुई। 26 तारीख की घटना है, सराफा मार्केट में तीन लड़कियां मोबाइल पे बात कर रही थी, उनके साथ में तीन अज्ञात लड़के एक बाइक में आए और एक लूट की घटना को अंजाम दिए थे, उनसे मोबाइल को लूटे थे। और प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी और सराफा मार्केट में लगे हुए कैमरे सीसीटीवी फुटेज और संदेहों से पूछताछ करने पर तीनों अपराधी। बलौर जिले के करीभदर सरपंच ओंकार साहू हत्या मामले पुलिस ने दो महिला सहित सात आरोपी गिरफ्तार कर लिए। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर सरपंच की हत्या की गई थी। दरअसल दो दिन पहले सरपंच की लाश खेत के कीचड़ में दबाव मिली थी, शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रकरण में धारा 302, 201 भादवी का अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकरण की विवेचना पर से जमीन विवाद के कारण ओंकार साहू का हत्या होना पाया गया। प्रकरण में सात आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी सात आरोपी चिरेगोड़ी के रहने वाले हैं तथा एक ही परिवार के। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।